गया है ये है बारबल। बहुत सारी लेडीज हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियोस में बोलने लगी, बताना ही भूल गई आपको। माय नेम इज आमना खान एंड आई एम योर एवरीडे ट्रेनर। मैं आपके लिए बहुत जबरदस्त वीडियो आज लेके आई हूँ एंड ये है बारबल। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले, ये क्या है जिम में आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी यूजफुल वीडियोस को आप देखती रहें, और मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना ना भूलें। वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, डेली मोटिवेशंस देती हूँ, रोज़ाना की वीडियोस डालती हूँ। सो आपको फॉलो करना है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को। अच्छा, ये है बारबल। बहुत सारी लेडीज़ जिम में बारबल को उठाती नहीं, यूज़ ही नहीं करती, वो कार्डियो की मशीनें करती रहती हैं, डंबल्स उठा लेती हैं, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं इसके साथ क्या एक्सरसाइज आपने करनी। हालांकि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट इन द जिम आई हैव एवर हैड एंड ट्रेन विद। बारबल जो है वो आपके डंबल्स, जब आपने एक्सरसाइज आप डंबल से कर रहे हैं, कई सालों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से आप डंबल से कर रहे हैं, तो आपने अपनी एक्सरसाइज के अंदर वेरिएशन लेके आनी है। इसी वजह से बारबल से भी सेम एक्सरसाइजेज होती हैं जो डंबल से होती हैं, लेकिन आपके एंगल्स डिफरेंट हो जाते हैं, आपकी बॉडी को डिफरेंट तरीके से आप हिट कर सकते हैं, तो आप बारबल को फिर इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं चाहूँगी कि स्टार्टिंग में आप डंबल्स करें, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद फौरन बारबल्स के ऊपर आएँ, क्योंकि ये बेस्ट है। बीच में चेंजिंग्स आपने करते रहना है। तो बारबल से मैं आपको तीन बेस्ट एक्सरसाइजेस बताऊंगी आपकी फुल बॉडी के लिए, इनको आप अपनी डेली रूटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। अगर आपने फैट लॉस करना है, आप जनरल स्ट्रेंथ कर रही है, कुछ भी है, तो बारबल को लाजमी आप इनकॉर्पोरेट करें। डंबल्स भी करें लेकिन बारबल भी करें। अच्छा, बारबल से जो पहली एक्सरसाइज है वो है बाइसेप कर्ल्स। डंबल से तो आपने देखी होगी, लेकिन आप बारबल से भी कर सकते हैं। थोड़ी सी जो है ना आपकी डिफरेंट हो जाती है एक्सरसाइज, ये अप एंड डाउन, स्ट्रेट आपने खड़े होना है, नाक से सांस अंदर मुंह से बाहर। थ्री आप 15 रेपिटेशंस 3 सेट्स कर सकती हैं, 10 रेपिटेशंस 12 रेपिटेशंस, बट मेक श्योर कि 10 से कम या 15 या 12 से कम आपने रेपिटेशंस नहीं करने, फॉर फैट लॉस स्पेसिफिकली और स्ट्रेंथ एज वेल, ठीक है। फिर इसके ऊपर आप वेट्स भी डाल सकते हैं, अभी मैं वेट्स के बगैर कर रही हूँ, क्योंकि बारबल इटसेल्फ बहुत भारी होती है अगर आप दूसरी ले रहे हैं, ठीक है, या आपकी बाइसेप कर्ल होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट्स। नॉर्मल स्क्वाट्स तो हर कोई कर लेता है भाई, बारबल के साथ स्क्वाट्स करने हैं आपने, अपने आप को चैलेंज करना है, तो बारबल के साथ मस्ट है। इसको करने का एक बड़ा प्रॉपर तरीका है, अगर आप बिगिनर हैं, तो आप बारबल को कैसे यूज कर सकते हैं, आप एक बेंच को लें, ठीक है। बिगिनर हैं अगर, तो लेकिन एडवांस है तो आपको बेंच की जरूरत नहीं है। स्क्वाट्स आपने करने हैं, बारबल स्क्वाट्स कहते हैं इनको, बारबल स्क्वाट्स। आप क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 10 रेपिटेशन आपने करने हैं, 5 6 आपकी लेग्स के लिए, 7 8 9 and 10। लेकिन अगर आप बिगिनर नहीं हैं और आपको स्क्वाटिंग आती, बड़े अरसे से आप स्क्वाट्स कर रही हैं, तो फिर आपको इस बेंच की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल बारबल लें, ठीक है, एंड बारबल स्क्वाट्स आपने करने हैं सिंपल, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 पोस्चर का ख्याल रखना है, 8 9 and 10। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज होगी बारबल के साथ। ये बड़ी चैलेंजिंग एक्सरसाइजेस हैं, आप करेंगी बड़ा मज़ा आएगा आपको और दर्द भी होगी। थर्ड एक्सरसाइज हमारी है, तीसरी एक्सरसाइज है हमारी लंजेज। बारबल के साथ आपने करने हैं लंजेस, ठीक है। आपने बार को आपकी मर्जी है, लेकिन शोल्डर में सपाट आपने से ज़्यादा खोलना है, ठीक है। आपने ये करने हैं, ये जैसे आप नॉर्मल लंजेस करते हैं, बस उसको आपने बार के साथ कर लेना है, ये 1 2 बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये, लेग स्क्वाट को यूज करने के लिए। ये आप 2 से 3 राउंड लें अपने जिम के इसको करते हुए, या 15 रेपिटेशन काउंट कर लें, ये। So this was your exercise about this barbell, this beautiful thing. Make sure you subscribe to my channel, ladies. मैं फिर से आऊंगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।